शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की वो खूबसूरत जगह है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इसे और खास बनाता है यहाँ का इतिहास। और ये ब्रिटिश काल में देश की समर कैपिटल भी हुआ करती थी। गर्मियों में अंग्रेज अक्सर यहीं से भारत का शासन किया करते थे। शिमला के आसपास आपको बहुत सी खूबसूरत जगहें देखने को मिल जाएगी, और उन्हीं में से एक है मशोबरा। मशोबरा शिमला से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और अगर आपको भी शांतिपूर्ण जगहें पसंद है तो मशोबरा आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन होगी। ये मशोबरा का छोटा सा शहर जाना जाता है अपने ओल्ड ब्रिटिश कॉटेजेस, नेचर वॉक्स और खूब सारे क्लाउड एंड पॉइंट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मशोबरा के वर्चुअल टूर पे लेके चलते हैं, और उसके साथ साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और यहाँ आने का सबसे बेस्ट मंथ कब रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। हम अक्सर आपको हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत और अनदेखी जगहों के सफर पे लेके चलते हैं, और उन्हें में से एक जगह है मशोबरा। तो अगर हम बात कर लें कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आप दिल्ली से शिमला तक की कोई भी बस ले सकते हैं जिसका किराया 500 से 1000 रुपये तक वेरी करेगा, या फिर आप एक दिन चंडीगढ़ में रुक के भी यहाँ तक आ सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो पहले आप शिमला तक आएँ, और फिर 10 किलोमीटर के दूरी पे ही आपको मशोबरा शहर देखने को मिल जाएगा। मशोबरा पहुंच के आप या फिर अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं, या फिर सेम डे आप वहां पे कुछ साइट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहली जगह जिसे आप मशोबरा में कवर कर सकते हैं वो मशोबरा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसमें सबसे पहली जगह है राष्ट्रपति निवास मशोबरा, जिसको हाल ही में भारत सरकार ने टूरिस्ट के लिए ओपन किया है। राष्ट्रपति निवास मशोबरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का समर रिट्रीट है, और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है जो कि घने देवदार के जंगलों से होके गुजरता है। 1890 में बनाई गई ये ऐतिहासिक बिल्डिंग आज भी अपने अंदर बहुत से किस्से और कहानियाँ लिए बैठी है। तो अगर आप भी मशोबरा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो राष्ट्रपति निवास को अपनी विशलिस्ट में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पहुँच के आप 200 साल के इतिहास के चश्मदीद गवाह बनेंगे। और उसके अलावा यहाँ से जो सनसेट के नज़ारे आपको आने वाले हैं वो शायद आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से होंगे। इस जगह को कवर करने के बाद अगली जगह जिसे आप अपने मशोबरा के ट्रिप पे कवर कर सकते हैं वो है यहाँ का तलाई टेम्पल। तलाई टेम्पल राष्ट्रपति भवन से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पहुँचते ही आपको बहुत बड़ा ग्राउंड भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। तलाई टेम्पल एक रिज पे स्थित है, और इसके चारों ओर आपको बहुत ही घने देवदार के जंगल देखने को मिलते हैं, और उसके साथ साथ ही आपको बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर भी यहाँ देखने को मिलता है। टेम्पल को विजिट करने में आपको 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है, और उसके बाद आप यहीं पे बने हुए ग्राउंड में थोड़ी देर बैठ के खूब सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं। तलाई टेम्पल को विजिट करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप मशोबरा में कवर कर सकते हैं वो है क्रिगनैनो नेचर पार्क। एंड ट्रस्ट अस गाइस, क्रिगनैनो नेचर पार्क मशोबरा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और ख़ासकर अगर आप यहाँ बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 9.5 हेक्टेयर में फैला ये पार्क एक ज़माने में इटालियन काउंटेस ऑफ क्रिगनैनो का समर रिट्रीट हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे एक डाक बंगलो बना दिया गया था, और आज इसे फाइनली एक नेचर पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस पार्क में आपको बोटैनिकल गार्डन जिसमें आपको डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कॉनिफर्स देखने को मिलते हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे ट्री हाउसेस भी देखने को मिल जाते हैं जो यहाँ पे इस जगह में चार चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मशोबरा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस क्रिगनैनो नेचर पार्क को अपनी विशलिस्ट में ज़रूर डाल लीजिएगा। तो अगर हम बात कर लें कि मशोबरा को विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा, इस जगह को यूं तो आप साल में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गर्मियों की गर्मी से छुटकारा पाना है तो आप मई जून के महीने में यहाँ आ सकते हैं, और अगर आपको इस जगह को ऑफ बीट में एक्सप्लोर करना है तो सितंबर, अक्टूबर
या जनवरी के मंथ आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। तो अगर हम बात करें कि आप मशोबरा में कहाँ रुक सकते हैं, यूं तो मशोबरा में आपको बहुत से होटल्स और होमस्टेज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारा रिकमेंडेशन जहाँ पे हम खुद भी रहे थे उसका नाम है सांच द म्यूजिकल सनसेट, जो कि मशोबरा में स्थित एक होमस्टे है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको पार्किंग और बेसिक फैसिलिटीज के साथ साथ एक बहुत ही शानदार लिविंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इस लग्जरी होमस्टे की सबसे खास बात यह है कि शिमला माल रोड से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी और मशोबरा शहर से लगभग 3 किलोमीटर की ही दूरी पे स्थित है, और कुफरी यहाँ से आपको लगभग 20 मिनट की ड्राइव पे ही देखने को मिल जाता है। इस लग्जरी होमस्टे का टैरिफ एक रूम का 5,000 से स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप बहुत ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डुप्लेक्स 15 लोगों के लिए बुक करा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे बुक रीडिंग, गिटार और चेस और बहुत सी गेम्स का आनंद भी उठा सकते हैं। एंट्रस्टर्स गाइस, यहाँ की बालकनी से जो सनसेट व्यूज आप देखने वाले हैं वो शायद आपकी जिंदगी के सबसे ब्यूटीफुल सनसेट्स होंगे, और उसी के नाम पे इस कॉटेज होमस्टे का नाम सांच रखा गया है। इस होमस्टे के ओनर श्रीजन जी एक आर्किटेक्ट हैं, जिस कारण इन्होंने इस होमस्टे को बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है, जिसके कारण इस होमस्टे के इंटीरियर से लेकर डिजाइन हर चीज आपको दो दिन के लिए बहुत ही ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस जगह को बुक कराना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे देंगे, आप इनसे संपर्क करके इस जगह को बुक जरूर कर सकते हैं। अगली जगह जिससे आप मशोबरा के पास विजिट कर सकते हैं वो है नालदेहरा। मशोबरा से नालदेहरा लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और अगर हम बात करें सफ़र की तो ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि आप दोनों तरफ देवदार के घने जंगलों से ढके रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कर्सन ने जब पहली बार इस जगह को देखा तो वो जगह इन्हें इतनी खूबसूरत लगी कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम इस जगह के नाम पे नालदेहरा रख दिया, और आज यहाँ पे भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स भी लोकेटेड है। और इस गोल्फ कोर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे एक हिमाचल टूरिज्म का क्लब भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप चाय, समोसे, पकौड़े का मजा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मशोबरा का ट्रिप प्लान करें तो नालदेहरा को अपनी विशलिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि नालदेहरा मशोबरा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और यहाँ पे आप खूब सारी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मशोबरा के आसपास कुफरी को भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा वर्चुअल टूर मशोबरा को लेके, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। और अगर अभी भी आपके मन में मशोबरा को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी का उत्तर देने की कोशिश करेंगे।